जय हिंद दोस्तों, अगर आपने भी महिंद्रा थार के लिए बुक किया है तो अभी अभी के अभी कैंसिल कर दो अपने बुकिंग को, क्योंकि आज रही है नई वाली महिंद्रा थार 5 डोर के साथ में 6 और 7 सीटर कैपेसिटी लेकर। दोस्तों अगर आपने भी महिंद्रा थार के 4 सीटों को बुक किया तो भाई किस बात की देरी है, बुकिंग को कैंसिल कर दो। 8, 10, 12 या 15 महीने का वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन के अंदर ही लॉन्च होने जा रही है महिंद्रा थार की 5 डोर, जो भाई ऑफिशियल रिवील भी होने वाली है कुछ दिन के अंदर ही। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चालू है और भाई कार की लुक आपके सामने है। फिलहाल काफी ज्यादा चेंज तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ हद तक चेंज किया गया जो भाई डेफिनेटली आपको नजर में आ ही जाने वाली। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। वो दोस्तों इस कार की प्राइस की बात करें, भाई प्राइस आपको ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, और इनफैक्ट इसके टॉप मॉडल की प्राइस भी ना 20 लाख के नीचे रहने वाली। तो आपको भाई ज्यादा नहीं बल्कि कुछ दिनों का वेट करना, भाई ले लेनी है नई वाली 5 डोर वाली महिंद्रा थार। दोस्तों इंजन ऑप्शन के मामले में बात किया जाए तो आपको सेम वही इंजन मिलेगा जो भाई करंट वाले महिंद्रा थार पर मिलती है, यानी कि 2 लीटर की पेट्रोल इंजन 150 bhp की पावर के साथ में, और 2.2 लीटर की डीजल ऑप्शन 130 bhp की पावर के साथ में, दोनों ही ऑटोमेटिक और मैनुअल के साथ में अवेलेबल है। तो भाई आपको जो पसंद है भाई आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर इसके लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करें तो भाई लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 4.6 मीटर की लेंथ मिलेगी आपको नए वाले महिंद्रा थार पर। मतलब ये जो 4 मीटर वाली झंझट थी ना वह खत्म हो जाने वाली है, और अब आपको 4.6 मीटर, मतलब भाई 4.6 मीटर की लेंथ मिलेगी, और उसमें भी भाई जो इसकी व्हील बेस थी ना उसको बढ़ाकर 2.7 मीटर की कर दी गई है। मतलब गाइस आपको अंदर की जो कैबिन स्पेस है ना उसको भी काफ़ी कमाल की कर दी गई है, मतलब एक स्पेसियस कार बना दिया गया। और यहाँ पर आपको 6 और 7 सीटर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें भाई जो सेंटर की सीट्स होगी ना वो भाई आपको मिलेगी कैप्टन सीट, और जो रियर की सीट होगी वो भाई फ्लैट सीट मिलेगी। और अगर आप 7 सीटर लेते तो भाई आपको रियर की सीट्स जो है वो 3 सीटर मिलेगी, और बाकी बीच की सीट जो है ना वो भाई कैप्टन सीट ही देने को मिलेगी, बाकी फ्रंट की दोनों ही सीट तो भाई कैप्टन ही होती है ना। इसके बाद अगर बात करें गाइस, यहाँ पर आपको मिलने वाली है 18 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स, मतलब जो पहले 16 और 18 इंच की थी ना अब भाई 18 और 19 इंच की हो गई है, मतलब आपको शुरू से ही 18 इंच के अलॉय व्हील मिल जाएंगे। साथ में आप सब लोगों को कमाल का डिफरेंस बताएं तो यहाँ पर आपको पहले कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप थी ना भाई, यहाँ पर कोई कुछ चेंज किया गया, जैसे कि कन्वर्टेबल तो भाई रह गई, साथ में हार्ड टॉप भी रहेगी, और भाई एक फ्लैट हार्ड टॉप भी दिया गया, जैसे कि भाई जो ऊपर की जो रूफ होती है ना वो पूरी तरह से फ्लैट होगी, और भाई वहाँ पर फाइबर या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि बिल्कुल सेम बॉडी वाली बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, जिसमें भाई आप सब लोगों को सनरूफ दिया जाएगा, तो आपको घबराने की वाली जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो भाई जो मेन डिफरेंस है ना वो उसके फ्रंट के लुक पर है, जबकि फ्रंट के लुक पर आपको छोटी सी ग्रिल दी जाती थी ना भाई, आपको ग्रिल को बड़ा करके भाई इसके जो फ्रंट की जो पूरी बॉडी ना उस पर भाई फिट कर दिया गया है जस्ट लाइक रैंगलर। तो गाइस आपको जीप रैंगलर वाला मज़ा अब आपको 20 लाख के नीचे मिलने वाला, मतलब 80 लाख की कार का मजा 20 लाख की कार पर ले सकेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें साइड की तरफ, भाई साइड की तरफ बिल्कुल चेंज कर दिया है लुक को, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको 3 सीटर थी, मतलब 3 डोर वाली कार थी, और अभी बन चुकी है 5 डोर वाली कार। यहाँ पर बात करते भाई आपको नई वाले अलॉय व्हील मिलेंगे, लेकिन जो अलॉय व्हील है ना उसकी डिज़ाइन को लगभग भाई सेम ही रखा गया है, कोई खास चेंज नहीं किया गया है, और जो रियर की तरफ जाने के लिए जो डोर बनाया गया है वो भाई थोड़ी सी कंजेस्टेड जैसा लग रहा है, बट आई होप कि जो डोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जिससे भाई लोगों को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, भाई होता तो कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। बात करें रियर प्रोफाइल की तो भाई रियर प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, आपको रेक्टेंगुलर शेप पर एलईडी टेल लैंप्स देने को मिलेगी, और भाई बिल्कुल सेम रियर प्रोफाइल देने को मिलेगी। अगर इसका कि इंटीरियर की बात किया जाए, भाई इंटीरियर पर जो डैशबोर्ड है ना उसको भी भाई ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है, लेकिन 7 इंच की टच स्क्रीन को भाई बदल कर 8 इंच का टच स्क्रीन कर दिया गया है। ऑलमोस्ट भाई नई वाली जो महिंद्रा थार है ना बस उसी को 6 और 7 सीटर पर कन्वर्ट कर दिया गया है, 5 डोर पर कन्वर्ट कर दिया गया, कोई खास चेंज देने को नहीं मिलेगा। और अगर सीट की बात किया जाए भाई तो सीट भी काफ़ी कमाल की फैब्रिक के साथ मिलेगी, और भाई तीनों की तीनों तरफ आपको डोर हैंडल देने को मिल जाएगा, तो भाई आप सब लोगों को महिंद्रा थार पर बैठकर हिलने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। इसके अलावा भाई पूरी इंटीरियर आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी, बाकी आप सब लोगों की मर्जी, आप रेड, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ब्लू, भाई जो भी कराना चाहते हो करा सकते हो, क्योंकि भाई इंडिया पर भाई ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग हैं वो भाई मतलब महिंद्रा थार के इंटीरियर को क्या से क्या बना देते हैं।
बात करें कुछ एडवांस फीचर की, तो भाई आपको एडवांस फीचर के मामले में कुछ भी एडवांस नहीं मिलने वाले, केवल इसके बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा सुधारा जा रहा ताकि ग्लोबल एनसीपी के क्रेश टेस्ट पर इस बार आपको 4 स्टार नहीं बल्कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाए। बाकी जितने भी फीचर आपको पहले मिलती थी सभी फीचर होगी, सभी सेफ्टी फीचर बिल्कुल सेम टू सेम देने को मिलेगी। ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स और भाई बेस्ट इन क्लास कैपेसिटी, मतलब गाइस जो कमाल की ऑफरोडिंग वाली कैपेबिलिटी हो ना वो भाई बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाली है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से थोड़ी सी पावर बढ़ानी चाहिए थी, बट भाई क्या ही कर सकते, नहीं बढ़ा रही है, कोई बात नहीं, जो थार है ना उसका मजा ही कुछ और है। तो भाई कैसे लगे आपको महिंद्रा थार की 5 डोर वाली कार, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। अगर आपने भी इस कार को बुक किया तो भाई कैंसिल कर सकते हो, कुछ समय के अंदर इस कार को इंडिया पर लॉन्च किया जाने वाला, इस कार के आखिर तक या फिर जनवरी 2023 तक इस कार को लॉन्च कर दिया जाएगा। और साथ में गाइस ये जो कार है ना ये नई वाली लोगों के साथ में आएगी। तो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही था, आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।